हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ईपीएफ क्लेम सेटल कब होते हैं और कहां पे लिखा होता है, कि कितने दिन में इनको अप्रूव करने होते हैं, अगर सेटल नहीं हुआ तो वो कैसे करवाएं। तो क्योंकि देखो, बहुत सारे मैंने अगर आप सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो बहुत सारे क्लेम्स हमारा सेटल नहीं हो रहा है, कब होगा, कितने दिन लगता है, तो वो पूरे आप जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का इस वीडियो में आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका क्लेम सेटल टाइम से अगर ज़्यादा हो गया तो आप कैसे सेटल करवाएं, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने। अगर अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। देखो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जब आप अपना ऑनलाइन क्लेम करते हो, चाहे फॉर्म 31 हो, ट्रांसफर का हो या एडवांस का हो या जो भी आप फाइनल सेटलमेंट करते हो, तो आपको ये दिमाग में रहता है कि मेरा लास्ट वर्क एक हफ्ते से मेरा क्लेम पेंडिंग पड़ा और कितने दिन का टाइम लगेगा। और जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में चलते रहते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट 11 दिन हो गए फिर भी मेरा क्लेम सेटल नहीं हो रहा। तो देखो, पीएफ जितने भी ट्रांसफर किया जाते, पीएफ ट्रांसफर हो गया, पीएफ एडवांस हो गया, पीएफ का फाइनल सेटलमेंट हो गया, तो उसमें जो टाइम लिमिट है वो पीएफ एक्ट में डिफाइन की गई है कि इस एक्ट इस दिन के अकॉर्डिंग आप अपना इनको क्लेम सेटल करना होता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, तो आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाया, आपको भी ये माइंड में चलते होंगे कि माय पीएफ क्लेम इज पेंडिंग सिंस लास्ट वीक, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सेटल। तो ये कि आपको एक वीक कितना टाइम लगेगा, तो वही इस एक्ट के बारे में बताऊंगा कि एक्ट में कहाँ पे लिखा है और कौन से पैराग्राफ में लिखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके डाउट है वो सभी क्लियर करते हैं कि पीएफ का पैसा कितने दिन में निकलता है। तो आपको जब पीएफ एक्ट में जाओगे, एज पर पैराग्राफ 727 ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स 1952, द क्लेम कंप्लेंट इन ऑल रिस्पेक्ट सबमिटेड अलोंग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट शैल बी सेटल्ड एंड बेनिफिट अमाउंट पेड टू द बेनिफिशियरी विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट बाय द कमिश्नर। जब आप अपना क्लेम डालते हो, क्लेम के 20 दिन के अंदर कमिश्नर होता है, जो भी उसका होता है, उसके पास रिसिप्ट पहुंचने के 20 दिन के अंदर उसको क्लेम सेटल करना होता है। अगर 20 दिन में क्लेम सेटल नहीं करेगा तो उसको रिजेक्ट का उसको मार्क देना पड़ेगा। तो आप देखते हो कि आपका जो भी रिजेक्शन है वो अगर क्लेम का वो आ जाता है। तो अगर फिर हम अगर आप द पूरा पढ़ोगे एक्ट में जाओगे, तो क्लेम कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ सबमिटेड अलोंग विद द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट सेल बी सेटल्ड एंड बेनिफिट टू पेड द बेनिफिशियरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिस्पेक्ट बाय द कमिश्नर। इज देयर एनी डिफरेंसली इन द क्लेम द सेम सेल बी रिकॉर्डेड इज राइटिंग एंड कमिशन एप्लीकेशन विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। अब जैसे आपने क्लेम किया, मैक्सिमम टाइम 30 डेज का होता है। अगर वो 20 दिन के अंदर जो कमिश्नर हो उस रिजेक्ट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है या उसे रिजेक्ट भी नहीं करता या जो भी उसमें गलतियाँ हैं कि आपने जो क्लेम सेटल किया उसमें अगर 20 दिन के अंदर कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं करता तो उसको पेनल्टी लगती है। जो भी आप उसको बेनिफिट देते हो, आपका पीएफ अमाउंट है उसको 12% उसकी सैलरी से डिडक्ट होगा। तो इसमें साफ साफ लिखा, अगर आप उसका क्लेम 20 दिन तक से ज़्यादा हो गए और आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और उसको सेटल नहीं करे, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर की होगी और उसकी सैलरी से 12% एनएम की दर से उसको सैलरी से डिडक्शन किया जाएगा। तो इसे साफ साफ हमारे एक्ट में, पीएफ एक्ट में आप जाओगे तो उसमें लिखा पैराग्राफ 727 में। और ये भी लिखा जो डेथ क्लेम होते हैं उनको 7 डेज के अंदर करोगे। तो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, ये जो पीएफ एक्ट है मैंने वहाँ से उठाया, आप अपने पीएफ एक्ट पैराग्राफ 727 में जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास अथॉरिटी है कि आपका मैक्सिमम जो 30 डेज का होता है और 20 डेज के अंदर आपका मिनिमम अमाउंट होता है। अगर कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप पीएफ ऑफिस नहीं करता, जैसे हॉलीडे आ गई, तो वो काउंट्स नहीं हो पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका क्लेम 20 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपको क्या करना है, तो वो आप नेक्स्ट बताने वाले। तो आपको ये आपको श्योरिटी होगी कि आप किसी से बहुत सारे आप सोशल मीडिया देखो, फ्रॉड सारे आपके क्लेम 2 दिन में करा दें, 3 दिन, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आपके पास पैसे लेते हैं। तो आपको उससे बचना है। आपको देखो, आपको पीएफ एक्ट में लिखा कि आपको 20 दिन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, तो आपको 20 दिन का आपको पेशेंस रखना है। अगर नहीं होता तो उसके बाद में एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। तो आपको आपको इसमें क्लियर होगा कि आप जब पीएफ एक्ट में साफ साफ लिखा गया, आपको पीएफ ऑफिस में जाओ, आपको बोले कि हमारे पास टाइम नहीं, तो आपको साफ साफ लिखा गया आपको जब पीएफ एक्ट में पैराग्राफ 727 में आपको 20 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना पड़ता है। अगर आप उसमें क्या गलतियाँ हैं वो भी आपको 20 दिन के अंदर आपको बतानी पड़ती हैं। इसके लिए अगर आप टाइम पर अगर नहीं करते तो कमिश्नर ही इसके लिए जवाबदेही होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको ये याद रखने। तो आपको पेशेंस रखना है कि आपको 20 दिन का आपको 1 दिन में क्लेम। तो आप देखो, ये बहुत सारे मैंने ट्विटर से स्क्रीनशॉट लिया, जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि फैमिली सेटलमेंट, तो इसमें लिखा कि नॉर्मली टेक टू 20 डेज ऑफ सेटल क्लेम और रिलीज द पीएफ अमाउंट इफ द सेम इन 72 द कंसर्न इफ इन द कंप्लीट। साफ साफ जब पीएफ आपको सोशल मीडिया पर देखो तो वो भी यही बोलता है कि आपको 20 दिन का टाइम लेता है, 20 दिन के अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है। तो कोई क्लेम 2 दिन में होता है, कोई 20 दिन में होता है, कोई 1 महीने भी लग जाता है। तो ये आपको डिपेंड करता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको 20 दिन का मैक्सिमम आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे
सारे फ्रॉड केस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आपको बहुत सारे पैसे लेते हैं फिर भी वो क्लेम सेटल नहीं करते, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो 20 दिन का वेट कीजिए कि वो अपने पैसे का वेस्ट ना करें। तो ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी पीएफ मेंबर्स हैं। तो अब नेक्स्ट जो आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा एक फुलाइन फाइन सेटलमेंट जो मैंने 11 फेब 2020 का अप्लाई किया था और 4 मार्च 2020 को इन्होंने सेटल कर दिया। तो ये भी मैक्सिमम 20 दिन का हो गया या 20 से ज़्यादा होगा। तो उन्होंने 20 दिन के अंदर सेटल कर दिया था, लेकिन जो होता है सेटलमेंट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तो सेटलमेंट यहाँ पे आपको सेटल होने के बाद में आपका बैंक में ट्रांसफर होने के लिए 1 वीक का टाइम हो लगता है। तो टोटल 20 दिन और एक हफ्ता मिला के आपको मतलब एक मंथ एवरेज ले लेता है क्लेम सेटल होने में। आपको अगर किस्मत अच्छी है तो आपका एक हफ्ते में भी हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, 20 दिन में। जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 30 डेज का होता है। 30 डेज में देखो पूरी प्रोसेस होता है, 20 दिन में क्लेम सेटल करना होता है। सेटल करने के बाद ट्रांसफर की भी प्रोसेस होती है, जैसे आपका ट्रांसफर सेटल होने के बाद 3 दिन का बैंक ट्रांसफर करता है। अगर आपके पास हॉलीडे आ गई बीच में, जैसे आपका शुक्रवार को उन्होंने सेटल दिखाया तो आपको जैसे सैटरडे संडे होगा तो वहाँ पर हॉलीडे आ गई, तो वो बैंक उस टाइम में काम नहीं कर पाता, तो वो 3-4 दिन आगे और एक्स्ट्रा ले लेगा। तो आपको जो पेमेंट आने वाली तो अकाउंट में वो मंडे ट्यूजडे तक आती है। तो ये आपका जो मैक्सिमम टाइम आपको 20 दिन रहना, आपको 20 या 30 डेज तक आपको वे पैसेंस रखना। 30 डेज के अंदर अगर ट्रांसफर नहीं होता तब आपको ये क्लेम प्रोसेस करनी। तो ये हमारा ये नेक्स्ट जो ये एडवांस क्लेम जो मैंने 16 अप्रैल को अप्लाई किया था, तो कोविड-19 वाला अभी चल रहा है, तो उन्होंने 27 अप्रैल को उन्होंने सेटल कर दिया। जो पेमेंट थी वो मंडे ट्यूजडे को मतलब अभी रिसेंटली पेमेंट आ जाएगी। तो मैंने हाईलाइट कर रखा था 16 अप्रैल 21 को अप्लाई किया था, 27 अप्रैल। फिर नीचे ट्रांसफर, तो मैंने तीनों केस बताए, ट्रांसफर के भी, एडवांस के भी और फोन एडवांस। तो एडवांस का देखो ये 17 मार्च 2021 को किया था, 18 मार्च को इन्होंने सेटल किया। लेकिन ये केस है कि ऑटो ट्रांसफर केस है, अगर आप वैसे अप्लाई करो तो वो इसमें भी 30 डेज लगता है। ऑटो ट्रांसफर होने के बाद जब भी आपकी पीएफ पेमेंट सक्सेसफुली हुई फर्स्ट मंथ की, तो ऑटोमेटिक उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो एक मंथ ले चुका है। तो इसमें पीएफ ट्रांसफर में भी एक मंथ लगता है। तो सभी में आपको 30 डेज का पैसेंस रखना, आप जो भी क्लेम अप्लाई करो तो आपको 30 डेज का वेट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको इसमें क्लियरिटी हुई कि आपको कितने दिन में आपका क्लेम सेटल हो सकता है। तो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर आपको, अगर आपको फिर भी आपका 30 डेज या 20 दिन के बाद में क्लेम सेटल नहीं होता तो आपके पास ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शन है, आपको देखो हाउ टू रजिस्टर ऑफ ग्रीवेंस, फिर आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करनी। तो इसके लिए आपको पीएफ पे आओ, अगर सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो पीएफ जो सोशल जो पीएफ का है वो भी ये बोलेगा, इनकेस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस ऑफ द पीएफ ऑफिस और एम्प्लॉयर, यू आर सजेस्ट टू रजिस्टर ग्रीवेंस epfigms.gov.in एग्जाम से इश्यू थोड़ी। तो अगर आप 20 दिन अगर आप क्लेम सेटल नहीं होता आप ईपीएफ जाकर रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्लेम स्टेटस चेक करना है। क्लेम स्टेटस चेक करने के दो प्रोसेस, एक आप पीएफ मेंबर पोर्टल से, एक जहाँ से आप पासबुक चेक करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे यही है, आप पीएफ मेंबर पासबुक पे जहाँ पे आता है क्लेम स्टेटस एंड पासबुक, वहाँ पे जाके चेक करें तो वहाँ से आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। तो आप अपना वहाँ से चेक करें कि मेरा क्लेम पासबुक से डिडक्शन हुआ, सेटल हुआ नहीं हुआ। अगर वहाँ से नहीं हुआ तब आप अपना आगे की प्रोसेस करें। अगर आपको यहाँ पर सेटल नहीं दिखा रहा क्लेम स्टेटस में, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, आपको ग्रीवेंस पोर्टल डालनी है, जो epfigms जो पीएफएफ का ग्रीवेंस पोर्टल है, जो आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। तो आप वहाँ पर अपने पूरे स्क्रीनशॉट के साथ, जैसे क्लेम स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लिया, पासबुक का ले लिया और क्लेम की जो रिसिप्ट आती है वो आपको साथ में टेस्ट करके आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करनी है कि मेरा 20 दिन से ज़्यादा हो गया, मेरा क्लेम सेटल नहीं हुआ, इसका क्या रीजन है। तो आप वो पूछ सकते हो, आपका हक बनता है। वो 20 दिन के बाद में पूछेगा तो आपके लिए वो सही रहेगा। अगर 20 दिन से पहले आपने ग्रीवेंस रजिस्टर कर दी तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका कुछ ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देते। तो आपको जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलना, जिसमें आपका अगर आप सही चलोगे तो आपका क्लेम भी सेटल होगा और आपको उन अगर आपका ग्रीवेंस पोर्टल से आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो एक सबसे अच्छा ऑप्शन है पीएफ कंप्लेंट पोर्टल, जैसे हम बोलते हैं CPGRAMS, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेजिडेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी हमारे लेबर लॉ जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पे ग्रीवेंस रजिस्टर की जाती है। तो आप अपने पीएफ एसआई जो भी रिलेटेड ग्रीवेंस है यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर आपका वहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स अच्छे तरीका और आपका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, अगर आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में अगर सबसे फर्स्ट फॉलो आपको ग्रीवेंस पोर्टल ही आपको फॉलो करना है, अगर ग्रीवेंस पोर्टल पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, आपको वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो आपको पीएफ कम जो ये पीएम कंप्लेंट पोर्टल है सेंट्रलाइज जो सीपीएम ग्राम बोलते हैं, वहाँ पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको आपको इस वीडियोस के अंदर आपको हेल्प मिली होगी। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस रख के आपको जितना नहीं होता तो आपको ये ग्रीवेंस रजिस्टर करनी। तो मेरे सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने किसी के झांसे में ना आए, किसी का अपना फ्रॉड कैसे पैसे ना दे कि 4-5 हज़ार रुपये देंगे। तो आपको थोड़ा 20 दिन वेट करना, 20 दिन वेट करने से आपको जो 4-5 हज़ार रुपये आपके बच जाएंगे। तो पूरी प्रोसेस है, तो पीएफ भी यही कवर करता है कि आप किसी के फ्रॉड केस में ना आए और उसे आप जल्दी पीएफ सेटल करवाने के अंदर आप उनको पैसे ना दें। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तो सभी से आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा जाता था, शेयर कीजिए अपने पीएफ मेंबर्स के जो भी है, जो भी पीएफ रिलेटेड जो भी है। अगर आपको मैंने ऑलरेडी इन्हें सभी पे वीडियो बनाया कि आप पीएफ ग्रीवेंस रजिस्टर कैसे करें, CPGRAM पे कैसे करें, तो उस पर सभी मैंने वीडियो बनाया, तो आप अपना बैठे अपना खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।